हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त ASK और स्वागत है आपके इस चैनल में। तो आज मैं आपके लिए एक और ऑसम वीडियो के साथ आ चुका हूं। ये वीडियो होने वाली है काफ़ी ऑसम, क्योंकि ये बजट फ्रेंडली फ़ोन के बारे में मैं बताने जा रहा हूं। एंड अराउंड 10,000 इसकी प्राइस रेट रखी गई है। इसमें सबसे मेन फीचर इसका होने वाला है बैटरी, और उसके बाद अदर फीचर्स की बात करने वाला हूँ मैं इसके बारे में। मेन मोटो क्या होता है कि किसी किसी लोगों को ज़्यादा कोई मतलब तो होता नहीं है, सिर्फ उसके बात करने के लिए और वैसे नॉर्मल यूज़ के लिए फ़ोन रखते हैं, या फिर थोड़ा सा वीडियो देखने और फिर कुछ छोटी मोटी फ़ोटो खींचने या वैसे जैसे और अराउंड लोग यूज़ करते हैं, उसके मतलब का ये फ़ोन होने वाला है और लॉन्ग आवर चलने वाला है ये, क्योंकि इसमें होने वाली जो बैटरी वो होने वाली काफ़ी बड़ी। तो इसकी पूरी डिटेल आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। काफ़ी अच्छे अच्छे फ़ोन ये होने वाले हैं और काफ़ी बजट के और इंडियन मार्केट में आराम से अवेलेबल होने वाले हैं। तो इस वीडियो को यहीं से स्टार्ट करते हैं। तो अभी तक आप मेरे इस चैनल में नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और कमेंट करना ना भूलेगा, क्योंकि मैं ऐसी ऑसम वीडियो लाता रहता हूँ। ये वीडियो होने वाली है जो सबसे बेहतरीन फ़ोन होने वाला है सैमसंग की तरफ से। सैमसंग तो पहला इस सेगमेंट में पहला फ़ोन आने वाला है सैमसंग गैलेक्सी F12। इसका प्राइस रेट अराउंड 10,000 के अराउंड होने वाला है। और इसमें जो आपको देखने वाले हैं, सबसे पहले डिस्प्ले की बात करते हैं। 6.5 इंच की HD+ डिस्प्ले होने वाली है। इसमें जो प्रोसेसर आप देखने को मिलेगा वो होगा इसका ही एक्सोनोर 850 SOU प्रोसेसर। और इसमें आप क्वाड कैमरा रियल कैमरा सेटअप देखने वाले हैं। 48 MP का प्राइमरी, 5 MP का अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा, 2-2 MP का आपको डेप्थ और माइक्रो कैमरा देखने को मिल जाएगा। 8 MP का सेल्फी कैमरा होने वाला है। और उसमें 6000 mAh की नॉन रिमूवेबल बैटरी दे रखी है और 15W का चार्जर, USB Type-C पोर्ट होने वाला है। और एंड्रॉयड 11 में आप इसको देखने वाले हैं। काफ़ी दमदार लुक के साथ ही आता है और काफ़ी किफ़ायती ये फ़ोन होने वाला है। और इसका जो रैम वेरियंट इसमें आप देखेंगे वो होने वाला है 4GB रैम, 64GB स्टोरेज आप इसमें देखने वाले हैं। तो अगले सेकंड फ़ोन की तरफ चलते हैं, फटाफट इसको वीडियो को कंप्लीट करते हैं, मैं आपको सारी डिटेल देते रहता हूँ। तो दूसरा इसी फ़ोन में काफ़ी दमदार फ़ोन होने वाला है, वो भी सैमसंग की तरफ से आने वाला है, सैमसंग गैलेक्सी M12। इसका प्राइस रेट भी 10,000 के अराउंड होने वाला है। इसमें भी आपको जो डिस्प्ले देखने वाले हैं 6.5 इंच की सुपर एमोलेड डिस्प्ले, क्वाड सेटअप कैमरा में होने वाला है, 48 MP का प्राइमरी, 5 MP का अल्ट्रा और 2-2 MP के डेप्थ और मैक्रो सेंसर कैमरा देखने को मिल जाएंगे। इसमें भी 6000 mAh की बैटरी दे रखी है, 15W का फास्ट चार्जर मिलने वाला है, USB Type-C पोर्ट इसमें आप देखने वाले हैं। इसमें जो आप प्रोसेसर देखने वाले हैं ये भी एक्सोनोर 850 SOS प्रोसेसर होने वाला है, ये भी एंड्रॉयड 11 में वर्क करने वाला है। इसमें जो रैम वेरिएंट आप देखेंगे वो नाला है 3GB रैम, 32GB स्टोरेज, और इसमें आपको 4GB रैम वाला वेरिएंट भी देखने को मिल जाएगा। बात कर लेते हैं अपने अदर फ़ोन की। तीसरा फ़ोन होने वाला है मोटोरोला की तरफ से मोटो G10 पावर। ये भी अराउंड 10,000 का ही प्राइस रेट रखा गया है। इसमें आप जो प्रोसेसर देखने वाले हैं वो है क्वालकॉम स्नैपड्रैगन का 460G प्रोसेसर, 6.5 इंच की डिस्प्ले होने वाली है, IPS LCD डिस्प्ले हो सकती है, IPS LCD डिस्प्ले होने वाली है, 6000 mAh की नॉन रिमूवेबल बैटरी देखने को मिलेगी। इसमें आपको 20W का फास्ट चार्जर देखने को मिलने वाला है, USB Type-C पोर्ट इसमें भी देखने वाले हैं। इसमें भी आप क्वाड सेटअप कैमरा देखने वाले हैं, 48 MP का प्राइमरी, 8 MP का अल्ट्रा वायलेट, 2-2 MP के डेप्थ और माइक्रो सेंसर कैमरा देखने को मिलने वाला है, और 8 MP का सेल्फी कैमरा भी इसमें होने वाला है। बात कर लेते हैं इसकी रैम वेरिएंट की। रैम वेरिएंट इसमें आप देखने वाले हैं 4GB रैम, 64GB स्टोरेज आप इसमें देखने वाले हैं। तो अब बात करते हैं अपने फोर्थ फोन की। फोर्थ फोन में आप देखने वाले हैं TecnoSpark 70। काफ़ी ऑसम ये फ़ोन अभी तक मार्केट में लॉन्च हुआ है। ये भी 10,000 के अराउंड देखने वाले हैं आप। इसका प्राइस रेट 6.52 इंच की HD+ IPS LCD डिस्प्ले देखने वाले हैं। MediaTek का Helio G35 प्रोसेसर भी आप इसमें देखने वाले हैं, काफ़ी दमदार प्रोसेसर होने वाला है, और एंड्रॉयड 11 में आप इसको देखने वाले हैं। 6000 mAh की बैटरी होने वाली है, 4GB रैम, 64GB स्टोरेज भी आप इसमें देखने वाले हैं। तो बात करें थे कैमरे की, तो इसमें आपको ड्यूअल कैमरा देखने वाले हैं, 16 MP का एक कैमरा और दूसरा सपोर्टेबल कैमरा आप देखने वाले हैं, 8 MP का इसमें भी सेल्फी कैमरा देखने को मिलेगा, और इसमें आपको माइक्रो USB केबल देखने को मिलने वाला है, फास्ट चार्जिंग का इसमें भी आपको देखने को मिलेगा, पर इसमें आपको 18W का ही चार्जर देखने को मिलेगा। तो बात कर लेते हैं इसमें अदर फोन्स की। तो पाँचवें नंबर में जो फ़ोन आने वाला है वो आने वाला है इन्फिनिटी हॉट 10S और हॉट 10 जैसे अदर ऐसी इसके अराउंड दो और फ़ोन होने वाले हैं। बस क्या हॉट 10 की बात करें, ये भी अराउंड 10,000 के रेट में आने वाला है। इसमें सबसे बड़ी डिस्प्ले देखने वाले हैं आप 6.82 HD IPS LCD डिस्प्ले, और इसमें काफ़ी अच्छा
आपको वीडियो देखने को मिलने वाला है। इसमें आपको जो प्रोसेसर देखने वाला है वो होने वाला है सबसे दमदार MediaTek Helio G85 प्रोसेसर आप इसमें देखने वाले हैं। Android 11 में ये चलने वाला है। इसमें आप सुपर रियल कैमरा देखने वाले हैं, 48 मेगापिक्सल का प्राइमरी, 2 मेगापिक्सल का डेप्थ, अनदर एक कैमरा और आपने देखने वाले हैं, 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा भी होने वाला है। और इसमें आपको जो बैटरी देखने को मिलेगी वो भी 6000 mAh की नॉन रिमूवेबल बैटरी होने वाली है। पर इसमें आप 10 वाट का ही चार्जर देखने वाले हैं। इसका जो रैम वेरिएंट आप देखने वाले हैं वो भी होने वाला है 4GB रैम, 64GB स्टोरेज। तो बात कर लेते हैं लास्ट फोन की, होने वाला है छठा, ये आने वाला है रियलमी नाजो 30A। इसको मैंने इसके रैम वेरिएंट और अनुसार रखा है, बैटरी के लिए रखा है। बैटरी इसमें होने वाली है 6000 mAh की और 6.5 इंच की डिस्प्ले। और इसमें आपको 18 वाट का फास्ट चार्जर देखने को मिल जाएगा। USB टाइप सी होने वाला है। Android 11 में ये वर्क करने वाला है। इसमें आप जो रैम वेरिएंट देखने वाले हैं इसमें आप 4GB रैम, 64GB स्टोरेज आप देखने वाले हैं। और इसमें ड्यूअल कैमरा आप देखने वाले हैं रियल में। 13 मेगापिक्सल का आपको प्राइमरी सेंसर कैमरा देखने को मिल जाएगा और 2 मेगापिक्सल का डेप्थ। और इसमें आप जो सेल्फी कैमरा देखने वाले होंगे 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा। प्रोसेसर जो होने वाला है वो होने वाला है MediaTek का Helio G85 प्रोसेसर। ये भी काफ़ी दमदार प्रोसेसर होने वाला है। तो धन्यवाद दोस्तों, मैं ऐसी ऑसम वीडियो लाता रहता हूँ। अगर आपको मेरे वीडियो अच्छा लगा तो मैं ऐसी ऑसम वीडियो लाता रहता हूँ। अगर आपको किसी और चीज़ में आपको वीडियो चाहिए तो कमेंट कर लीजिए, मैं उसके बारे में भी वीडियो बना दूंगा। दोबारा मिलता हूँ ऐसी ऑसम वीडियो के साथ।